सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली एनएच 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ, बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने अजय निषाद को 1,98,982 वोटों से हराया। वैशाली लोकसभा सीट से वीना देवी ने मुन्ना शुक्ला को 85,909 वोटों से हराया। और एनडीए को मिला जनादेश और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर कल्याणी चौक पर मेयर समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे उड़ाए। तो यह थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और वैशाली से वीना देवी ने जीत दर्ज की है। मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद पहले ही राउंड से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद से बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा वैशाली लोकसभा सीट का परिणाम दिखा। पहले ही राउंड में वीना देवी और मुन्ना शुक्ला में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। पहले राउंड में महज 250 वोटों से वीना देवी बढ़त बनाई हुई थी। कई राउंड तक कांटे की टक्कर हुई। 8वें राउंड से वीना देवी बड़ी बढ़त बनाने लगी और अंत में तकरीबन 85,909 वोटों से वीना देवी ने मुन्ना शुक्ला को हरा दिया। वहीं भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद को 1,98,982 वोटों से हरा दिया। मुजफ्फरपुर से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने जीत के बाद कहा, यह जनता की जीत है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से प्रचंड जीत के साथ भाजपा कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को माला पहनकर जीत की शुभकामना दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस जीत को? निश्चित तौर पर ये भारत के गरीब गुरबों का जीत है और जो राष्ट्रवाद के लिए लोगों ने वोट किया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया है उस पर लोगों ने वोट किया। वो लगातार जो मेहनत कर रहे थे, बहुत सारी बाजार से खबरें आ रही थी, उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मेहनत आपने जमीन रूट पर किया था। निश्चित तौर पर हम सब लोग जिला के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे जितने साथी हैं, सब लोग एकजुट होकर के लगे थे और खास करके उसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हों चाहे मंत्री जी हों, सारे लोग बहुत अच्छा से प्लानिंग के साथ काम किए और ये जीत मुजफ्फरपुर की जनता की जीत। जनता को क्या संदेश देंगे, चूँकि जनता ने आपको बहुत भरोसा जताया है? जनता के लिए ये कहना रहेगा कि हम सब मिलकर के मुजफ्फरपुर को एक स्मार्ट मुजफ्फरपुर बनाएंगे और हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। इस चुनाव में जिलाध्यक्ष ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफी जमीनी रूट पर काफी मेहनत की है। रंजन जी, क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, सबसे पहले जीत मुजफ्फरपुर जिले के जनता को समर्पित है, जनता की जीत है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यहाँ हम लोग एनडीए गठबंधन मुजफ्फरपुर जिले की दोनों सीट पर हम लोगों ने चुनाव जीता है और राष्ट्रवाद का जो प्रेम यहाँ की जनता ने दिखाया, इसलिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और निश्चित तौर पर जिस आशा और उम्मीद के साथ उन्होंने अपने प्रत्याशी को सांसद बनाने का काम किया है, बिल्कुल सांसद उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जीत को लेकर जश्न में डूबे हैं भाजपा कार्यकर्ता और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जीत के बाद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा है कि ये जनता की जीत है और उनके लिए सदैव मैं खड़ा रहूंगा। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। वैशाली लोकसभा सीट से लोकसभा उम्मीदवार वीना देवी ने जीत के बाद कहा, वैशाली की जनता के लिए मैं काम करती रहूंगी। वैशाली में अभी वीना देवी की जीत उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है मैडम, कांटे का टक्कर था और नहीं दिखा? नहीं दिखा। जनता देखिए, मतदाता मालिक, सोच समझ के मतदान किए हैं, उद्देश्य देखे हैं,
बिहार का चुनाव तो था नहीं, तो हमेशा आप लोगों को मैं बताते रहती हूँ देश का चुनाव था, इसलिए देश में लोग काम किए हैं, हमारे मतदाता मान जितने भी हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई आचरण स्पष्ट। हाँ सर, कितना मेहनत करना पड़ा, कितनी लगातार सांसद भी हम नेता कहीं सोते हैं, हम लोग तो हमेशा क्षेत्र में काम करते हैं, हर जनता के लिए दुख सुख में सा खड़े रहते हैं, हमेशा काम करने का जो जलवा था और जो हम लोग का क्रियाकलाप है हम लोग हमेशा काम करते हैं। जीत का श्रेय किसको देंगे? जनता। कोमल जी भी लगातार लगे, कोमल जी आप बताइए, बहुत मेहनत की। इसका एक ही जवाब दूंगी, विपक्षी भी कहते थे और हम भी कहते थे, जनबल और धनबल की लड़ाई है और जीत कौन रहा है? अगर जनबल जीतने वाला तो सबसे बड़ा जनता ने इसका जवाब दे दिया है कि जनबल कौन है और धनबल कौन था, इसका जवाब जनता दे रही है अपने वोट के माध्यम से। राज ये थी बीना देवी, इनका कहना है कि जनबल नहीं धनबल और कुछ नहीं, जनबल जीता है और मैं लगातार मेहनत की हूँ जिसका नतीजा आम जनता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कहा चुप कर दी और इस तरीके का परिणाम क्यों आया, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, सिटी न्यूज का जो प्रेडिक्शन था वो सामने दिखता आ रहा है, क्योंकि हमने पहले ही दावा किया था कि मुजफ्फरपुर से हो ना हो राजभूषण चौधरी निषाद 1,00,000 से ऊपर से मतों से जीतेंगे, जो कि साफ दिखा है। और मैं बता दूं कि हमारे साथ सहारा समय के ब्यूरो इंचार्ज है, उनसे हम बात करेंगे कि संतोष राज पांडे जी से कि आखिर बीजेपी पूरे बिहार में कहाँ चूक हो गई कि ये रिजल्ट नजर आया, क्या लग रहा है कि कहाँ चूक हो गई, चूँकि मुजफ्फरपुर वैशाली तो दिख रहा है आपको, और क्या लग रहा है? जी, सबसे तो बड़ी बात यह है कि जिस समय नीतीश कुमार ने पलटी मारा और भाजपा के समर्थन से फिर से यहाँ सरकार बन गई, भाजपा इसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा मिली, सबसे बड़ी चूक उसी समय हुई थी। एक तो बीजेपी के पास कुशल नेतृत्व बिहार में नहीं था, जिसके बल पे यहाँ बिहार में चुनाव लड़ सके। सम्राट चौधरी को इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया, सम्राट चौधरी अध्यक्ष तो बने लेकिन बिहार का जो राजनीति है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक मजबूत करना, लोगों को विश्वास में लेना, तो ये इन लोगों ने किया नहीं। इन लोग मोदी गारंटी के चक्कर में इतना विश्वास में आ गए कि हम कुछ करें या ना करें मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने लगातार कई सभाएं की, सबसे ज़्यादा सभा बिहार में की, उसके मुकाबले नीतीश कुमार कम किए। इन लोगों ने जिस तरीके से विश्वास में जिया, वो विश्वास को आज जनता ने पलट दिया, वो दिख रहा है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार के बारे में लोग जरूर बोल रहे थे कि नीतीश कुमार का वोट नहीं है, नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की जिसके चलते लोग नाराज़ थे, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में जिस तरीके से के पाठक को लाया, ये भी बातें आई कि के पाठक को लाने को लेकर कई शिक्षक या उनका परिवार भी नाराज़ है। लेकिन जनता जो है, दूसरी तरफ जीविका दीदियों का इन्होंने बेहतर एक ग्रास रूट तैयार किया, रोजी रोजगार से जोड़ा नीतीश कुमार ने, तो एक महिलाओं को शराबबंदी को लेके और जीविका को लेके महिलाओं का एक बड़ा वोट था ही, और ख़ासकर शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से सुधार इन्होंने किया, पब्लिक इससे भी खुश थी। अच्छा ये बताइए, चूँकि बिहार में जो प्रयोग बीजेपी ने किया और गेम प्लान सोचा कि गेम प्लान चेंज कर देंगे, मुजफ्फरपुर और वैशाली में ये नहीं दिखा, चूँकि मुजफ्फरपुर में भी अप्रत्याशित रूप से राजभूषण चौधरी निषाद जीत चुके हैं समझ लीजिए, तो क्या लग रहा है कि क्या स्थिति और ये हुई वैशाली और मुजफ्फरपुर? देखिए, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिस समय चुनाव की घोषणा हुई और जिस तरीके से भाजपा और राजद इंडिया गठबंधन ने जो अपना प्रत्याशी दिया, तो शुरुआती दौर में तो जातिगत लड़ाई की बात आने लगी, जात पात होने लगी,
लेकिन एक बात मैंने आपको बताया ना कि मोदी जी ने जिस तरीके से पहले भी आपको बताया था कि जिस तरीके से लोगों को राशन देना, अकाउंट में पैसे भेजना, तो इससे पब्लिक तो बिहार में खुशी है। और परिणति ये हुआ कि जो ग्रास रूट पे जो वोटिंग हुआ, जिन लोगों ने वोट जाके किया, मोदी के नाम पे वोट हुआ, न कि राजभूषण निषाद मुजफ्फरपुर या बीना देवी वैशाली, ये प्रत्याशी को लोगों ने वोट नहीं दिया, लोग वोट मोदी को किया। स्थिति यह है कि आज जो आज नज़ारा या जो परिणाम सामने आया है, जिस तरीके से बीना देवी वहाँ से कम मतों के अंतर से जीती हैं लेकिन जीत गई, राजभूषण निषाद भी मुजफ्फरपुर से बाजी मार ली, हालांकि मुजफ्फरपुर में बातें सामने आई थी कि जो वैश्य समाज है वो जो है अजय निषाद को कोऑपरेट किया है, अजय निषाद को वोट किया है, लेकिन जो परिणाम सामने आया उससे स्पष्ट हो गया कि मुजफ्फरपुर की बात करें या वैशाली की बात करें, तो जो मोदी की गारंटी या मोदी का जो लहर है वो दिखा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। परिणाम सामने है कि मुजफ्फरपुर से भाजपा निकल गई और वैशाली से एनडीए गठबंधन के लोजपा प्रत्याशी बीना देवी भी जीत हासिल कर ली। देख सकते हैं कि जो बीजेपी ने बिहार में जो प्रयोग किया था, किसी न किसी हद तक तो मोदी की गारंटी दिखी है, लेकिन यहाँ भी बिहार में भी भाजपा को अपनी सीटों से, कुछ सीटों से हाथ धोना पड़ा। और जदयू, चूँकि जदयू पर जो नीतीश कुमार पर दावा ठोका जा रहा था कि जदयू की सीटें कम होगी, वो एज इट इज रह गई। 15 सीटों पर नीतीश कुमार ने अपना झंडा गाड़ दिया। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। लोकसभा चुनाव में बिहार समेत मुजफ्फरपुर और वैशाली में पार्टियों ने क्या गलती की, वरिष्ठ पत्रकारों ने जवाब दिया। लोकसभा चुनाव का लगभग परिणाम बिहार के सभी सीटों पर आ चुका है, ऐसे में जिन जिन सीटों पर कांटे की लड़ाई चल रही है वो अभी तक वहाँ भी परिणाम क्लियर नहीं हुआ है। 20,000-30,000 से लोग प्रत्याशी आ गए हैं। वैसे में मुजफ्फरपुर जिले में, मुजफ्फरपुर से डॉक्टर राजभूषण भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो वो तकरीबन 1.25 लाख वोटों से अजय निषाद से आगे चल रहे हैं, तो लगभग उनकी जीत सुनिश्चित है। और वैशाली की जब बात करते हैं तो बीना देवी 55,000 वोटों से मुन्ना शुक्ला से आगे चल रही हैं, तो वहाँ भी लगभग जीत उनकी सुनिश्चित दिख रही है। ऐसे में हमारे साथ पूरे बिहार के लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जिले के, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। मनोज कुमार जी हैं, अजय कुमार पांडे जी हैं और प्रभात कुमार जी हैं, इनका मैं परिचय करा दे रहा हूं। और मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मनोज जी से, क्या लगा है कि पूरे बिहार में आखिर क्या ऐसा हुआ कि भाजपा और जदयू तो अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखा दी, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं चूक गई, आखिर क्या हुआ? देखिए, जो चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं, एक्चुअली सही बात मायने में कहा जाए तो अप्रत्याशित ही है, क्योंकि इससे पहले इंडिया गठबंधन का जो प्रारूप शुरू हुआ था, अंतिम समय में नीतीश कुमार जी का पलटी मार देना, भाजपा गठबंधन को रास आया है। और पूरे टीम के साथ जिस तरीके से राजग ने दमखम लगाया, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने पूरे दमखम के साथ पूरे अभियान में ताकत झोंक दी और इसका परिणाम सामने आ रहा है। अजय कुमार पांडे जी से बात करेंगे कि उत्तर बिहार में कहीं ना कहीं भाजपा, मतलब एनडीए है, पूरा परफॉर्मेंस पूरा दिख रहा है कि उत्तर बिहार में खासकर सभी सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित दिख रही है, आखिर क्या महागठबंधन से चूक हुई थी क्या इसमें? इसे हम महागठबंधन की चूक नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं ये पहले से प्रत्याशित था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो उसको कहीं ना कहीं कुछ मामलों में बढ़त मिली है। वो बढ़त है कि पिछली बार नॉर्थ बिहार से जिस तरह से रिजल्ट आए थे, एनडीए के हर कैंडिडेट 1-1.5 लाख वोट से या उससे ज़्यादा 4-4 लाख वोट से जीते थे, लेकिन इस बार उनका वो जीत का मार्जिन कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एनडीए के फेवर में भी लोग थे। अब ये रह गई बात कि कहीं ना कहीं एनडीए के मुकाबले
इंडिया गठबंधन ने जो अपने कैंडिडेटों को देर से फील्ड में उतारा, उनके नाम का देर से अनाउंसमेंट किया, कहीं ना कहीं उसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि रणनीतिक तौर पर वो उनकी चूक हुई है, जिससे उनकी वो हालत हुई, नहीं तो ये कहीं इससे ज्यादा बेहतर कर सकते थे। प्रत्याशी को चुनने में कहीं इंडिया गठबंधन ने चूक नहीं ना कर दी है? प्रत्याशी की चूक नहीं कह सकते हैं, मैंने कहा ना कि जो प्रत्याशियों का नाम देर से घोषित होना जो था, वो कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक की ओर इशारा कर रहा है। जैसे कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर लास्ट आवर में अजय निषाद का नाम घोषणा किया, उसका परिणाम निकला है? वही मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं देर से नाम घोषित करना इंडिया गठबंधन की चूक थी, क्योंकि ये पहले भी जो उत्तर बिहार की जो खासकर अगर हम तिरहुत और दरभंगा की बात करें, दरभंगा प्रमंडल की और तिरहुत प्रमंडल की बात करें, तो 12 सीटें थी, ये 12 की 12 सीटें पहले भी भाजपा के पास थी, इस बार भी आई हैं, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से उनको जीत मिली थी, बंपर वोट उनको मिले थे, वो इस बार नहीं मिल पाया। वन साइडेड दिख रहा था पिछले, हाँ पिछली बार वन साइडेड था, वो इस बार वन साइडेड नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये अगर यही नाम जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का पहले अगर घोषित हो गया होता, तो उनको और समय कंपेनिंग करने का मिलता और ये परिणाम कहीं और ज्यादा बेहतर होता। प्रभात कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी ये बताइए कि मुजफ्फरपुर और वैशाली खासकर, इसमें क्या लगा है कि भाजपा को जो परफॉर्मेंस मुजफ्फरपुर में करना था वो दिखाया है क्या आपको? देखिए भाजपा का परफॉर्मेंस तो वो नहीं था जो 2019 के चुनाव में था, उसमें तो कमी आई जरूर है, लेकिन शुरू से माना जा रहा था कि भाजपा का यहाँ पर सीट सुरक्षित माना जा रहा था, भाजपा जीतेगी ऐसा माना जा रहा था, कैश लगाया जा रहे थे। तो इसमें भाजपा जीती है कोई अप्रत्याशित नहीं है, भाजपा को जीतना नहीं आता, लेकिन जीत का अंतर कम दिख रहा है, जो कि और अच्छा होता है ना पिछले बनस्पत 2019 के। कांग्रेस ने जो अजय निषाद को प्रत्याशी बनाया, कहीं कांग्रेस चूक गई थी? अगर दूसरे लोगों को देते थे ये फाइटिंग सीट हो जाती? हाँ, इसमें तो दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने जो अजय निषाद को चुना प्रत्याशी बनाया, अजय निषाद बीजेपी के माने सांसद निवर्तमान सांसद थे और उनको चुना, उसके जगह पर अगर उनके और कोई मजबूत कैंडिडेट लाना था परिणाम कुछ और अलग होता। प्रभात जी वैशाली की जब हम बात करते हैं, तो वैशाली में जो सीन क्रिएट हो रहा था, चूंकि स्टार्टिंग से राजद ही राजद दिखाई दे रहा था, तो क्या लग रहा है कि मुन्ना शुक्ला कहीं चूक गए क्या? क्योंकि जो शुरू से पैटर्न चला आ रहा था मुन्ना शुक्ला के फेवर में, कहाँ चूक हो गई उससे? देखिए वैशाली संसदीय सीट का एक तो थोड़ा इतिहास देख लीजिए, है ना, इसमें एक चीज देखने को है, जो वहां से हारे उनको दोबारा वहां की जनता ने मौका नहीं दिया, ये अगर उस पर आप गौर करेंगे, अगर कद्दावर नेता रघुवंत प्रसाद सिंह को भी देखें तो वो भी नहीं जीत पाए। तो एक तो ये इसको ये कहा जाए सो ऐसा है, एक दूसरी बात यह है कि राजद काफ़ी मेहनत रहा क्षेत्र में और ऐसा लग रहा था शुरू में राजद आगे है, लेकिन एक चीज़ और देखने की बात है कि कुछ मोदी फैक्टर काम किया है आपको वैशाली में। एक मुन्ना शुक्ला का वायरल वीडियो हुआ था, जो चूंकि अजय निषाद को जीत दिलाने के लिए वो बोले थे कि हम उनके पीछे खड़ा हैं, कहीं वो भी फैक्टर नहीं रहा ना? देखिए जनता के बीच ये सब फैक्टर नहीं होता, फैक्टर जो था दो तीन बातें बहुत ही पंच फैक्टर था। पहला ये जो एक जो फ्री राशन ये लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था, ये चुनाव में पूरे चुनाव में रहा है ना, खासकर महिला वोटर जो है इस मामले में काफ़ी मुखर थी, और आप अगर वोटिंग परसेंट देखेंगे वैशाली का तो इससे स्पष्ट होगा कि महिलाएं वहां अच्छी वोट की, 61% वोट की, हाँ बढ़चढ़ के वोट, और ये फेवर में हमको लगता है फेवर में गया है आपको एनडीए कैंडिडेट मीना जी के पक्ष में गया, मीना जी महिलाओं ने भरपूर वोट, महिलाओं ने साथ दिया उनका और इसका फायदा इसको एनडीए को। नीतीश कुमार भी तो जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो भी फैक्टर कर रहा था क्या? हाँ जीविका का अच्छा रोल रहता है और चुनाव में भी रोल रहा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनका रोल हर जगह होता है और खास के बिहार में जीविका काफ़ी सशक्त रूप में काम कर रही है, और इसके लिए आप खासतौर देखिएगा चाहे वो कोई मसला हो, एएस का मसला हो या किसी तरह की जागरूकता हो, उसमें जीविका का बहुत अच्छा सहयोग होता है, और हम मानते हैं कि महिलाओं का जो वोट के प्रति इतनी जागरूकता हुई है इसमें जीविका की बहुत बड़ी भूमिका है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार जिले के, इनका मानना है कि पूरे बिहार में जो भाजपा और जदयू यानी जो एनडीए की जो गठबंधन
कि जो चुनाव लड़े उसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं लोग घर से निकलकर सामने आकर एनडीए के पक्ष में वोट डालें, जिसका रिजल्ट और परिणाम सामने आ रहा है। और जहां इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, फाइटिंग मोड में जरूर नजर आई लेकिन वो सीट कन्वर्ट कर नहीं पाई, और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में भाजपा, हाँ उनकी सीटें कम जरूर हुई है बिहार में, लेकिन परिणाम पिछले 2019 के चुनाव की अपेक्षा थोड़ा बहुत कम रहा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। एनडीए को मिली बहुमत और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मेयर समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े। मोदी सरकार की हैट्रिक जीत के बाद शहर के कल्याणी चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया, साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पटाखा फोड़कर मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। मौके पर मुजफ्फरपुर नगर निगम महापौर निर्मला साहू ने भाजपा की हैट्रिक जीत पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार भाजपा की मजबूत सरकार बनने जा रही है। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, पूरा देश ही जश्न मना रहा है। हम लोग के मुजफ्फरपुर के यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी, जो कि यहाँ के प्रत्याशी थे, भारी बहुमत से उन्होंने विजय हासिल की है, भारी मतों से। और यहाँ बगल में हम लोग का वैशाली है, वहाँ से भी जो लोजपा की जो भी थी प्रत्याशी बीना देवी, उन्होंने भी भारी मतों से यहाँ जीत हासिल की है। तो हम लोग का यहाँ जो बिहार में बहुत अच्छा है, पूरे देश में बहुत अच्छा मतलब है कि नरेंद्र मोदी की जीत है। नरेंद्र मोदी जी को जीत का हम लोग पूरी उनको श्रेय हम लोग देते हैं। 400 पार की बात हो रही थी, 400 पार जाएंगे, क्या लग रहा है? अभी चुनावी पूरा रिजल्ट आना बाकी है और हम लोग निश्चित वो आगरा पार करेंगे। भारतवर्ष में हर्षोल्लास का माहौल है, इस माहौल के तहत हम लोग खुशियाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, और निस्संदेह ही भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भारी बहुमतों से बन रही है, और इसके हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी राजभूषण चौधरी निषाद जी भी यहाँ से विजयी हो रहे हैं, और साथ में हमारे बगल के सीट वैशाली की बीना देवी जी भी चुनाव जीत गई हैं, लगभग जीत गई हैं। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888, और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। आरोग्य समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में, भारी डिस्काउंट से हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सो सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है।
शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल रेन डांस के साथ भव्य वॉटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहाँ बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है जहाँ पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुँचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्जवल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्जवल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9939475311। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। बाजार समिति मतगणना केंद्र के बाहर जिला पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र के बाहर खड़े हैं। देख सकते हैं कितने चाक चौबंद व्यवस्था जिला प्रशासन ने कर रखी है। 0 माइल चौक से बकड़ी चौक तक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है इस सड़क को ताकि बड़े पार्टी के कार्यकर्ता यहां नहीं पहुंच सके। और चूंकि अंदर मतगणना चल रहा है और इसमें रुझान बाहर आ रहा है, उसमें अप एंड डाउन की भी स्थिति है वैशाली को लेकर। और जहाँ तक मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर राजभूषण निषाद भी आगे चल रहा है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम लोग जो है, जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। बाहर से जो आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें लगातार बोल अपने माइकिंग के जरिए ये कर रहे हैं। और पेट्रोलिंग को लेकर भी यहाँ मोटरसाइकिल से राउंड मार रहे हैं लोग कि परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है। अभी फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है पूरे टाउन में, जो कल भी रहेगा आज भी रहेगा, जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व है वो माहौल खराब करने की कोशिश में करे। और पर्याप्त संख्या वाले हमारे पास DAP भी है और स्लैब की भी कंपनियां हैं, साथ ही साथ हमारे पास DAP भी है, वो हमारे पास पर्याप्त है। अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, परिणाम जो भी रहे जिसकी स्वीकार करना है, अगर कोई इंटरव्यू की सोशल इन्वेस्ट है उस पर एक्शन करेंगे। उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखा जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। उसके अगर कोई जाएगा उस पर तो सोशल मीडिया पर जो है मॉनिटरिंग हो रही है, उसके लिए हम पहले भी बता चुके हैं 24x7 आवर्स के लिए सोशल मीडिया सेल काम कर रही है। जो भी ये बढ़ता हुआ आसन है, क्योंकि MCC अभी खत्म नहीं है, जब तक है तब तक वो चुनाव आयोग के जो कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। देश में कांग्रेस को मिली सफलता पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
लोकसभा परिणाम बताता है कि भारत की जनता ने नफरत की राजनीति को त्याग कर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर आकर लोगों ने जनादेश दिया। हिंदुस्तान गांधी के मार्ग पर चलेगा। ये बातें कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने चुनाव परिणाम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। अरविंद कुमार मुकुल ने मुजफ्फरपुर और वैशाली में मिले जनादेश को स्वीकार करते हुए मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि यहाँ भी हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, जो बताता है कि यहाँ की जनता भी नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करती है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि यह जनादेश बताता है कि देश एकजुट होकर नफरत की राजनीति छोड़कर रोजगार, विकास, छात्र, किसान आदि के विषय पर बात करना चाहता है। वर्तमान परिणाम पर हर्ष व्यक्त करने वालों में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुकेश त्रिपाठी, महताब आलम सिद्दीकी, जिला महासचिव विजय यादव, लक्ष्मण ठाकुर, नवल किशोर शर्मा, विकास टुल्लू, दिलीप चौधरी, रविशंकर राय, राधाकृष्ण पटेल, विनोद चौधरी, अभिषेक कुशवाहा, कुणाल सहाय आदि थे। आज की जो मतगणना हुई है और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी का जो रुझान आया है, वह आज हिटलर शाही की खात्मा का एक संदेश है। जो हिटलर की तरह देश चला रहे थे, आज जनता उनको सिरे से खारिज कर दी है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, और जो हिटलर शाही की तरह इस देश को चलाना चाहते थे, जनता पर थोपना चाहते थे, आज हम देश की जनता को हम हृदय से जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर की ओर से धन्यवाद और देते हैं कि वह जो है अपना जो मतदान है वह एक निर्णायक मोड़ पर आज ला दिए हैं। जो माइंडेड मिला है उसमें जो है कि इंडिया गठबंधन आज बराबरी में नजर आ रही है। दूसरी बात कि मुजफ्फरपुर लोकसभा और वैशाली लोकसभा में जो हमारे उम्मीदवार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय निषाद जी और वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्री मुन्ना शुक्ला जी आज जो है कि फाइट में थे, लेकिन जो पिछले बार महागठबंधन 4.5 लाख वोट से हारी थी, इस बार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी कंटेस्ट में रहे और राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी भी कंटेस्ट में रहे हैं। हम मुजफ्फरपुर जिले के तमाम जनता को भी हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्मृति शेष प्रतिभा सिंह की जयंती पर मात्र नमन संवाद का आयोजन किया गया। स्मृति शेष प्रतिभा सिन्हा के जयंती के अवसर पर आमगोला नितेश्वर मार्ग स्थित शुभानंदी में मातृ नमन संवाद एवं काव्य पाठ का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने सर्वप्रथम प्रतिभा सिंह के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद मातृ नमन पर संवाद एवं काव्य पाठ किया गया। मौके पर डॉक्टर विजय ने कहा कि माँ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की आत्मा का विस्तार है। जब हम माँ से आशीर्वाद लेते हैं तो लगता है पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ हमें मिल गया। के मायने में बहुत ही अर्थपूर्ण है और इस अर्थपूर्ण तिथि के दिन हम मातृ नमन संवाद और मातृ केंद्रित काव्य पाठ के आयोजन में उपस्थित है। माँ सर्जनीन होती है, चाहे माँ किसी की हो, वह एक भाव है, एक चेतना है, एक प्रवाह है और सृजन की सतत संवेदनशीलता है। इसी को केंद्र में रखकर आज मातृशक्ति संपन्न ही नहीं केवल बल्कि माँ प्रतिभा सिन्हा के स्मृति दिवस के अवसर पर अपनी मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक चेतना को आत्मसात करते हुए पूरे आत्मीय वातावरण में उन रचनाकारों को, उन श्रेष्ठ जनों और शुभचिंतकों और समाज मातृ दिवस नहीं है लेकिन हमारे जीवन प्रतिभा से है, जिनसे हमारा जुड़ाव लग रहा। संजय पंकज जी मेरे अनुभव और मैं यहाँ आती रही, मुझे बहुत एक स्नेह आभास होता रहा यहाँ आने पर और माँ के यथार्थ रूप को देखने का मुझे यहाँ मौका मिला।
जिस माँ ने संजय पंकज जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया हो, जिसकी सुधि लेती रही हो और हम सबों की स्मृति से प्रतिभा सिन्हा जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम लोग यहाँ मातृ नमन करने के लिए और काल पाठ करने के लिए, साथ ही संवाद विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर संजय पंकज जी के भीतर यह मातृभाव हमारी शुभकामना है कि हम सबके भीतर रहें। माँ केवल शब्द ही नहीं है, वो हमारे भीतर की आत्मा का विस्तार है और माँ से हम आशीर्वाद लेते हैं तो लगता है कि ब्रह्मांड का पूरा सब कुछ हमको मिल गया। पूरी शक्ति और पूरी तन्मयता, पूरी आत्मीयता का प्रकाश जब फैलने लगता है तो समझिए कि वह हमारी माँ का आशीर्वाद है। माँ जैसी क्षमाशील, पृथ्वी की तरह वह क्षमाशील होती है, आकाश की तरह उसका विस्तार होता है, सूरज की तरह उसमें तेज होता है, वह जहाँ भी होती है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।